हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्राइटेरिया ऑफ द असेसमेंट फॉर क्लास 12th 2020-21 इवैल्यूएशन. ओके, एज यू नो द एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 12th for the session 2020-21 has been cancelled, and now this is the responsibility of the school to prepare your result. Okay, aapke result ko banane ki jo responsibility hai ab school ko hai. Uske liye CBSE ek guideline, ek notification, एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया डिसाइड करेगा, और इसके बाद स्कूल को टाइम दिया जाएगा आपके रिजल्ट को प्रिपेयर करने के लिए. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, डोंट बी पैनिक अबाउट योर रिजल्ट्स. यू नीड टू वेट फॉर फ्यू डेज. ओके, कुछ दिन आपको वेट करना है. अभी 10 से 15 डेज का टाइम है, इससे पहले भी हो सकता है, जब तक कि इवैल्यूएशन पॉलिसी, एक जो कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का जो मैनर है, गाइडलाइन है, नोटिफिकेशन है, जब तक सीबीएसई से अभी नहीं आता, तब तक इस पर कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी. लेकिन फिर भी जो एक्सपेक्टेड क्राइटेरिया है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, द इवैल्यूएशन मैनर ऑफ क्लास 12th विल बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन क्लास 10th. क्लास 10th का जो इवैल्यूएशन मैनर था, असेसमेंट करने का जो मैनर था, वो अलग था. ये क्लास 12th का जो इवैल्यूएशन मैनर है, ये थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव हो सकता है, थोड़ा व्यापक हो सकता है. ठीक है, क्योंकि क्लास 12th के रिजल्ट की बहुत बड़ी वैल्यू होती है. इसके बाद आप हायर एजुकेशन में, एडमिशन प्रोसेस में, कई जगह इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है. तो इस पर इसका जो इवैल्यूएशन मैनर होगा वो थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव होगा, क्लास 10th के कंपेयरिंग में और थोड़ा सा विस्तृत होगा. ओके, डोंट बी पैनिक अबाउट द रिजल्ट्स. आपको थोड़ा वेट करने की जरूरत है. एग्जाम कैंसिल हो गया, इससे बहुत सारे पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, बहुत सारे लोगों को रिलीफ मिला है. ठीक है, किसी को, कुछ बच्चों को, कुछ पेरेंट्स को, कुछ टीचर्स को तो अच्छा नहीं लगा, कुछ लोगों को, कि उनको लगता था कि नहीं भाई एग्ज़ाम होना चाहिए था, उससे अच्छा तो कुछ प्रोसेस हो ही नहीं सकता था. ठीक है, लेकिन फिर भी इस पैंडेमिक कंडीशन को देखते हुए गवर्नमेंट का जो डिसीज़न है वो बहुत अच्छा है. ठीक है, तो नाउ वी विल डिस्कस व्हाट विल बी द क्राइटेरिया ऑफ द असेसमेंट. मेरे प्यारे बच्चों, जो इसका क्राइटेरिया है, जो क्राइटेरिया होगा इसके असेसमेंट का, इट विल बी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, और इस पर एक टाइम बाउंड होगा, टाइम बाउंड मैनर पे इस पर वर्क किया जाएगा. ठीक है, स्टूडेंट्स के फेवर में उसके बेनिफिशियल होगा रिजल्ट. रिजल्ट ऐसा नहीं होगा जिससे आपको कोई बाद में अफसोस हो कि नहीं रिजल्ट बेकार हो गया. रिजल्ट स्टूडेंट के फेवर में होगा, अच्छा रिजल्ट होगा. ठीक है, लेकिन बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जो प्री बोर्ड एग्जाम है, योर प्री बोर्ड एग्जाम विल प्ले अ बिग रोल. इसका बिग रोल होगा, बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपके रिजल्ट में. ठीक है, क्लास 12th के जो यूनिट टेस्ट हैं, जो टर्म वन का एग्जाम हुआ था मीन्स हाफ ईयरली, और जो प्री बोर्ड हुए थे, असेसमेंट में इसकी बहुत बड़ी
रिस्पॉन्स बहुत बड़ी वैल्यू होगी, बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो बोर्ड ने क्लियर किया है अनाउंसमेंट के टाइम में, गवर्नमेंट ने भी इसको क्लियर किया है। अगर स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स, जो असेसमेंट का रिजल्ट है, जो इवेलुएशन का जो रिजल्ट है, अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, अगर नहीं होंगे, तब जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होता है, अगर आप अपने किसी सब्जेक्ट के मार्क्स से किसी तरह से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद, मतलब आफ्टर 1 वीक आपको टाइम दिया जाएगा। यू विल बी गिवेन अ चांस व्हेन द सिचुएशन इम्प्रूव्स। जब सिचुएशन इम्प्रूव होती है तो आपका रिजल्ट भी इम्प्रूव हो सकता है। ठीक है, सिचुएशन इम्प्रूव्स, योर रिजल्ट इम्प्रूव्स। ठीक है, आप अपने रिजल्ट को इम्प्रूव कर सकते हो, उसको इम्प्रूवमेंट दे करके, अगर आप किसी सब्जेक्ट से आप वास्तव में सेटिस्फाइड नहीं हो। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट, ये जो बोर्ड है, ये आपको टाइम देगा। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद भी आप अगर चाहते हो कि एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो उसके लिए भी वो प्रोसेस होगा। ठीक है, इससे पहले आप देख ही रहे हो क्लास 10th में जो इवेल्युएशन पॉलिसी थी, उसमें क्या था, यूनिट टेस्ट का 10%, हाफ ईयरली का 30% और प्री बोर्ड का 40%। मतलब प्री बोर्ड ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया कि नहीं, 40%। ठीक है, और जो 20 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट होते हैं, वो उसमें इंक्लूड ही किया जाता है। तो 100 मार्क्स में ये जो प्रोसेस था क्लास 10th में, और जो बेस ऑफ रिजल्ट जो था, वो लास्ट 3 ईयर का जो रेफरेंस ईयर होते हैं, तो उसमें का जो बेस्ट ओवरऑल जो बेस्ट रिजल्ट होता है जिस ईयर का, लास्ट 3 ईयर्स का, उसको उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट की पॉलिसी थी। क्लास 12th में भी कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, CBSE क्लास 12th 2020-21, दिस इज द क्राइटेरिया, एक्सपेक्टेड क्राइटेरिया ऑफ द असेसमेंट फॉर द क्लास 12th इन दिस सेशन, फॉर दिस सेशन 2020-21। इसका जो रिजल्ट बनना है, इसका जो असेसमेंट होना है, क्या क्या क्राइटेरिया होगा रिजल्ट का, असेसमेंट का, वो जो एक्सपेक्टेड अभी तक जो मुझे पता है, पता चला है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ये एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होगा इन अ टाइम बाउंड मैनर। स्कूल को टाइम दिया जाएगा, आफ्टर 10 or 15 डेज इस पर नोटिफिकेशन आएगा, पूरा उसका डिटेल्स आएगा बोर्ड की तरफ से, और स्कूल को रिजल्ट प्रिपेयर करने के लिए या सारे असेसमेंट को कलेक्शन के लिए उसको प्रिपेयर करने के लिए बकायदा उसको टाइम दिया जाएगा। CBSE उसके लिए टाइम देगी, उसमें भी वो किस तरह से मेंबर्स का सिलेक्शन करना, ठीक है, जैसे क्लास 10th में था, एक्सटर्नल इंटरनल, ठीक है, प्रिंसिपल, सबको मिलाकर जो एक कमेटी बनेगी, उस कमेटी के अकॉर्डिंग पूरा रिजल्ट आपका प्रिपेयर होगा उसके सुपरविज़न में, प्रिंसिपल के सुपरविज़न में। ठीक है, तो कुछ ये फार्मूला हैं, ये 4 फार्मूला हैं, इन चारों में से किसी पे भी एक्सपेक्टेड है, किसी पर भी डिसीज़न हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो फार्मूला है बच्चों, क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th, इसका एक समअप, इसका तीनों को मिलाकर आपका रिजल्ट प्रिपेयर किया जा सकता है। मतलब क्लास 10th बोर्ड एग्जाम आपने दिया है, तो क्लास 10th का जो फाइनल रिजल्ट है, बोर्ड एग्जाम का जो रिजल्ट है, क्लास 11th का जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है, और उसके साथ क्लास 12th का जो टर्म है, UT है और प्री बोर्ड है, इन सबको मिलाकर, इनके पूरे असेसमेंट को मिला करके हम जो है ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा रिजल्ट बन सकता है। ठीक है, तो दूसरा फार्मूला ये है कि क्लास 10th और क्लास 12th, 11th को हो सकता है हटा दें, क्योंकि 11th में भी सारे रिकॉर्ड्स हैं कि नहीं है, लास्ट ईयर भी वही प्रोसेस था। ठीक है, तो हो सकता है क्लास 10th और क्लास 12th
का 50-50%, क्लास टेंथ का बोर्ड का जो इवेल्युएशन का जो रिजल्ट है 50%, और 50% क्लास ट्वेल्थ का, इसमें यूटी टर्म, टर्म का मतलब हाफ ईयरली टर्म वन और प्री बोर्ड, इसको इंक्लूड करके ये रिजल्ट आपका बन सकता है, ठीक है। तीसरा फार्मूला है कि क्लास इलेवेंथ और क्लास ट्वेल्थ इनके दोनों के असेसमेंट का एक जो कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन पॉलिसी को अपना करके एक असेसमेंट के अकॉर्डिंग रिजल्ट बन सकता है। और जो लास्ट फार्मूला है जो क्लास टेंथ में भी इसी को अप्लाई किया गया था, कि इसमें ये हो सकता है कि क्लास ट्वेल्थ के जो एग्जाम्स हुए हैं, जो उसके यूनिट टेस्ट हुए हैं, हाफ ईयरली हुए हैं और जो प्री बोर्ड एग्जाम हुए हैं, इसका एक असेसमेंट, मतलब यूटी का परसेंट, टर्म वन का कुछ परसेंट और प्री बोर्ड का परसेंट, इसको मिलाकर के रिजल्ट बन सकता है। और जो इंटरनल असेसमेंट हैं, जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम हुए हैं ऑलरेडी, उसके मार्क्स सीबीएसई को उसकी वेबसाइट में सेंड कर दिए गए हैं। कुछ स्कूलों में ऐसी कंडीशन हो सकती है कि जहाँ पर प्रैक्टिकल्स ना हुए हों, तो वो आपका जैसे 70+30, 80+20, जैसे मैं इंग्लिश की बात करूँ तो 80+20, जो 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट था जो ASL है, तो वो मार्क्स भेज दिए गए हैं ऑलरेडी। बाकी जो 80 मार्क्स बचता है उसके लिए ये प्रोसेस अप्लाई किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका, ये मत सोचना कि नहीं प्री बोर्ड की जो हमने एग्जाम दिए हैं उसी के बेसिस पे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें एक कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, लगातार कंटिन्यूस, अभी क्लास टेंथ में, एलेवेंथ में, ट्वेल्थ में जो भी आपके असेसमेंट हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें उससे ली जा सकती हैं, जो टेस्ट हुए हैं, प्रोजेक्ट्स जो आपको दिए गए हैं, आपके बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ कराई गई हैं, रोल प्ले, ड्रामा, ठीक है, तो लेट्स रिकैप एक्टिविटीज़, बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हमने कराया है, बहुत सारे टीचर्स ने कराया है, जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स हुए हैं, जो इंटरनल असेसमेंट हुए हैं, तो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, मैक्सिमम मार्क्स, जो जिस सब्जेक्ट में जो टीचर्स ने जो एक्टिविटीज़ कराई है, आपने जो पार्टिसिपेट किया है, आपका जो पार्टिसिपेशन है, बेस्ट पार्टिसिपेशन आपका, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपका इवेल्युएशन हो सकता है। क्योंकि इस समय प्रोसेस क्या है कि आप, आपका डिसिप्लिन, आपकी रेगुलरिटी, आपका बिहेवियर, बहुत सारी चीज़ें इसमें काउंट करेंगी। कंटिन्यूस आप जो क्लास अटेंड करते हैं, आपने सारे टेस्ट दिए हैं, सारे एग्जाम्स दिए हैं, तो उसके बेसिस पे भी रिजल्ट में उसका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, ये आपको मैंने चार जो फार्मूला बताए हैं, इसी फार्मूले पे किसी पे आपका रिजल्ट बन सकता है, लेकिन जो भी रिजल्ट होगा वो आपके बेनिफिशियल होगा, अच्छा होगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।